आ गए हैं। मुझे तो डर लग रहा है भूतू। कुछ नहीं होगा गोलू, चलो अब हम सब लोग अंदर चलते हैं। मुझे लगता है कि इस गुफा के अंदर ही हमें जाना होगा। इसके अंदर क्या है क्या पता, मुझे तो बहुत डर लग रहा है भूतू। डर मत मुन्नी, भूतू जब कह रही है तो चलकर हम देख लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी, मैं ही तुम्हें यहाँ लाया हूँ। बिल्कुल नहीं, हम यहाँ जादुई चटाई पर बैठकर आए हैं। तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम लोगों को समझ में नहीं आया कि मैंने ही तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। मेरी इजाजत के बगैर मेरे पास कोई नहीं आ सकता। जादूगर, तुमने क्यों उस गांव के सारे लोगों को पुतला बना के रखा हुआ है, क्यों उन्हें इंसान नहीं बनने दे रहे हो? तो नहीं कर सकता, विश्वास करो मैं सच में नहीं जानता कि पुतलों से इंसान को किस तरीके से बदला जाता है। मैं वो मंत्र नहीं जानता। इजी वीजी योकस फोकस, इजी वीजी योकस फोकस। ये क्या, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं? नहीं जानते? अगर नहीं जानते तो क्यों ऐसा खेल दिखाया तुमने? आज उनका जीवन एक ही जगह पर रुक गया है। बोलो। वो वाला मंत्र मेरे गुरुदेव ने मुझे नहीं सिखाया था। ये घटना घटने के बाद से ही मैंने अपने आप को इस गुफा में बंद कर लिया। इससे क्या होगा, वो लोग तो इससे अपना जीवन वापस नहीं पा सकते हैं ना। तुम अपने गुरु के पास जाके वो मंत्र फिर से सीख के आओ, तभी सब ठीक होगा। ये इतना आसान नहीं है, उनके पास मैं पहुँच ही नहीं सकता। क्यों, कहाँ पर है वो? धूमगिरी पर्वत के एकदम ऊपर, वहाँ पे कोई नहीं जा सकता। मैंने खुद वहाँ पर जाने की कोशिश की लेकिन नहीं पहुँच सका। ठीक है, तो फिर हम लोग ही जाएंगे। तुम लोग इतने छोटे छोटे बच्चे होकर जाओगे, जो काम आज तक मैं नहीं कर सका वो तुम करोगे? हाँ, हम कर सकते हैं, तुम हमें नहीं जानते। हम पांच पांडव मिलकर सब कुछ कर सकते हैं, क्या बोलते हो तुम लोग, है ना? हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। समझ गए क्या तुम? ठीक है, कोशिश करके देख लो। चिंता मत करो जादूगर, अगर हम जा सकते हैं तो फिर तुम्हें भी ले जा सकते हैं। समय बर्बाद मत करो, चलो सब लोग। इतने छोटे बच्चे हो तुम सब, तुम लोगों को डर नहीं लगेगा? डरने से कुछ नहीं होगा। रस्सी भैया, तुम एक मजबूत गांठ बनकर वो नीचे खड़े जादूगर के पास चले जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। ओ जादूगर, तुम इस रस्सी को पकड़ लो, हम खींच रहे हैं। जोर लगा के हई शा, खींचो।
आ गई। आ मेरे पास। आचार्य बाबा जी, हम आपके पास मंत्र लेने के लिए आए हैं। सारे इंसान पुतले बन चुके हैं। जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। आप सब जानते हैं? तो फिर अपने गांव के लोगों को पुतला बनने क्यों दिया आपने? उस जादूगर को क्या मैंने बोला था गांव के लोगों को पुतला बनाने के लिए? उसने ऐसा क्यों किया? आपने भी पुतले से इंसान बनने का मंत्र क्यों नहीं सिखाया? नहीं सिखाया ऐसा तो नहीं कहा, ये आता तो मैं सिखा देता, पर ये आया ही नहीं मेरे पास। इतनी ऊपर क्या कोई इतनी आसानी से आ सकता है? आ सकता है ना, क्या तुम नहीं आए? असल में अच्छे मन के सच्चे बच्चे हो तुम लोग, इसलिए तुम लोग यहाँ आ पाए। और ये इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि इसने अपराध किया था। अपराध? हाँ अपराध। इतने सारे इंसानों को पुतला बनाना अपराध है ना? आज ये मेरे पास आ पाया है उसका कारण है तुम छोटे छोटे अच्छे बच्चे। आप मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया है। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे आखिरी मौका दीजिए। इस अपराध के बोझ को मैं और नहीं सहन कर पा रहा हूँ गुरु जी, नहीं सहन कर पा रहा हूँ, नहीं सहन कर पा रहा हूँ। ठीक है, इस मन की साफ बच्ची के हाथ में मैं जादू की छड़ी देता हूँ, ये फिर से सब पुतलों को इंसान बना सकती है। ये लो वो जादू की छड़ी। Yeah.